बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एंड आज के व्लॉग में आज हम जा रहे हैं पम्पकिन पैच। हम हर साल जाते हैं, तो इस साल मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जा रहे हैं। सो हम जल्दी से रेडी हो चुके थे एंड माशाल्लाह आज का वेदर भी बहुत अच्छा था। हमने जब वेदर चेक किया था तो कह रहे थे कि बारिश होगी, लेकिन मुझे ज़्यादा धूप भी नहीं चाहिए थी और बारिश भी ऑफ कोर्स नहीं चाहिए थी, क्योंकि बारिश से क्या होता है, ज़्यादा मडी हो जाता है, फिर चलने फिरने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज का वेदर वाकई में बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम पहुँच चुके हैं। मैंने अपने लिए जो है ये फ्रेंच वनीला ले लिया, इसके साथ मैंने कॉफ़ी ले ली है ताकि ज़्यादा मीठा ना लगे मुझे। और ये जगह देखिए, यहाँ पे वाइनरी भी थी, ऑब्वियसली हम वो नहीं ले गए, सो हमने आगे की तरफ जाना है। टिकट हमने ले लिया है आज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मडी नहीं है, वेदर बहुत अच्छा है। एंड क्योंकि आज जो है सैटरडे है तो काफ़ी बिजी हमें लग रहा था कि होगा, लेकिन वाकई में यहाँ पे अभी हम पहुँचे हैं तो लग रहा है कि कितना बिजी है। लाइनअप काफ़ी बड़ा है, बट द गुड थिंग इज जल्दी जल्दी जो है लाइनअप ख़त्म होता जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं सेटअप कितना अच्छा इन्होंने बनाया है। सो इट्स लाइक हैलोवीन एंड जो है पम्पकिन फॉल सीज़न है, दोनों इन्होंने जो है कंबाइन करके इस तरह का कोई जो है सेटअप बनाया है। वेरी नाइस ब्यूटीफुल। यहाँ पे हमने अपने टिकट ले लिया है, अभी हम अंदर की तरफ जाएंगे। द गुड थिंग इज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग भी हैं और हल्ला गुल्ला सा जो है बिल्कुल एक माहौल बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथ में एक बहुत बड़ा सा जो है कैरेट गाजर थी, सामने जो है उसके कॉर्न था। ये आप देख सकते हैं हैलोवीन का इन्होंने अच्छे तरह जो है सेटअप बनाया। बच्चे बहुत खुश है यहाँ पे, मैं ये चीज़ देख रही हूँ। और यहाँ पे आते ही मेरे पहला सवाल जो मेरे दिल पे था कि काश मैं आयरा को लेकर आ जाती, लेकिन आई कम्प्लीटली लाइक फॉरगॉट, क्योंकि मेरी बहन ने आज नहीं जाना था तो मैं भूल गई थी कि मैं आयरा को अपने साथ लेकर आ जाऊँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको अगली मरतबा लेकर आ जाऊँगी। तो ये आप देख सकते हैं इन्होंने लाइव म्यूज़िक था, बच्चे बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और सारे बच्चों को देख के मुझे आयरा की याद आ रही है। सो इंशाल्लाह मैं आयरा को भी लेकर आऊँगी। यहाँ पे लाइव म्यूज़िक था, म्यूज़िक थोड़ा सा इंजॉय करने के बाद यहाँ पे हम ये राइड ले लेंगे ताकि ये हमें पम्पकिन पैच लेकर जा सके, क्योंकि जिस जगह से हम रवाना हुए थे वहाँ से पम्पकिन पैच जाना अब नहीं जा सकते, इट्स गोना बी वेरी फार। सो यहाँ पे लेडी हमें बता रही थी कि हमने क्या क्या करना है। As you may or may not know, we have to say yeah-ha all together to get this wagon rolling, okay? Okay. Are you ready? One, two, three. Yeah-ha! All right, you see it works? And around here, it's all about the pumpkins in October. But if you want a big pumpkin, you gotta work. Use those walking legs. Follow the trail over the railway tracks. Keep going to the second field, to the corn maze. And the third field is where the biggest pumpkins are. And watch out for demons. Oh, look at this. Oh. Keep driving, Enrique. It's Transylvania Corner. It's the place where the Ministry of Children and Family Development. तो जैसा कि अब सबने देखा, ये राइड वाकई में बहुत अच्छी है एंड तकरीबन हम पहुंच ही चुके हैं। तो इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। So you don't have to carry a heavy pumpkin around the whole way, okay? We'll see you over at this green shed for the pickup. And now go get lost. Thank you. Welcome. Thank you. सो वो मज़े की राइड लेने के बाद यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। ये प्रॉपर फील्ड है पम्पकिन का और इतना खूबसूरत इन्होंने जो है सेटअप बनाया है यहाँ का। बहुत बड़ी जगह है, हम आगे की तरफ भी जाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे फूल वगैरह थे तो पहले से हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे थोड़ी जो है तस्वीरें वगैरह ले लेंगे, फिर हम आगे की तरफ जाएंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ फूल भी है और पम्पकिन भी है, एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। सब अपने बच्चों के साथ, पेरेंट्स सभी आए हुए हैं। मैं अपनी फैमिली को लेकर आना चाह रही थी, लेकिन उनके कोई जो है घर पे काम था, सो उन्होंने
कहा कि हम अगली मरतबा आएंगे, सो इस मरतबा मैं सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर हम सब साथ में आए थे। सो यहाँ पे अब मैं आपको आगे लेकर जा रही हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये दूसरी जगह है एंड यहाँ पे बिल्कुल सिर्फ पम्पकिंस ही थे, हमने वहाँ पे भी तस्वीरें ली। अब यहाँ पे जो है ये तीसरी जगह है, इन्होंने ये जगह पे जो है सारे जगह को सेक्शंस में जो है तकसीम किया हुआ था, वहाँ पे अलग जगह थी, ये दूसरी जगह है। अभी मैं आप सबको आगे की तरफ लेकर जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने कहा कि आगे भी बहुत कुछ है देखने के लिए, सो अभी हम आगे की तरफ जाएंगे। और जैसे कि आप सब देख सकते हैं, सबसे पहले हमें जो है डायनासोर नज़र आ रहा है, और ये बच्चा, मुझे ऐसा लग रहा था कि बच्चा इसके ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली बच्चा नहीं है, ये फेक है। सो एक बहुत अच्छा जो है सेटअप बनाया हुआ है इन्होंने। साइड पे आप ये भी देख सकते हैं, क्रीपी सा जो है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन ये रखा हुआ है। यहाँ पे बच्चे बहुत एक्साइटेड है। कॉर्न मेज की तरफ जाएंगे। लास्ट ईयर जो था हमने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन दिस ईयर अभी हम देखेंगे कि कर सकते हैं या नहीं। सो हमेशा जो है ये काफ़ी ट्रिकी होता है, मुश्किल होता है करने के लिए, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के साथ कर लेती हूँ, मसी बहुत अच्छा है इन सब चीज़ों में। तो आज भी अभी वही हम जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। और ये वो पार्ट है कि हमने रास्ता जो है खो दिया है, हम गुम हो चुके हैं। सो हमने जल्दी जल्दी कोशिश की और हमने कॉपी करने की कोशिश की ताकि सबको फॉलो कर सके कि वो जहाँ पे भी जा रहे हैं हम उन्हीं को जो है फॉलो करते जाएं। और फाइनली हम बाहर आ चुके हैं। यहाँ से जो है भाई हम और भी देखने की जगह है, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड वाकई में बहुत थक चुके हैं। सो एज यू गाइस कैन सी, मेरे हस्बैंड अभी जो है पम्पकिन पिक कर रहे हैं कि कौन सा पम्पकिन हम अपने साथ ले जाएंगे। सो विल सी। 2000 years later. तो तकरीबन आधे घंटे की मुशक्कत के बाद मेरे हस्बैंड ने डिसाइड कर लिया है कि हम ये दो पम्पकिन जो है साथ में लेकर जा रहे हैं, लेकिन नहीं, इज वेरी इनडिसाइसिव, अभी भी उनको पता नहीं कि कौन सा लेकर जा रहे हैं। सो ये आई होप फाइनल ही होगा, हम ये दो साथ में लेकर जा रहे हैं। सो अभी हम आगे की तरफ जाएंगे एंड सी, ताकि हम सेम जो है राइड ले सके, ताकि हमें वापस उसी जगह पे ले जाए। सो हम अभी फिर से मेरे हस्बैंड एक मरतबा फिर पम्पकिन को चेंज कर रहा है, पता नहीं क्यों वो बड़े से बड़ा पम्पकिन लेना चाह रहे हैं। बट एनीवे आई होप दिस विल बी द लास्ट वन, बिकॉज एट दिस पॉइंट ही चेंज ऑलमोस्ट 4 पम्पकिंस, बट आई होप यही आखिरी पम्पकिन होगा एंड आई थिंक इससे कोई बड़ा पम्पकिन होगा भी नहीं। सो ये दो पम्पकिन लेकर अभी हम जाएंगे। मैंने भी अपना पम्पकिन हाथ में उठा लिया है, पहले मैंने उनको दे दिया था क्योंकि मुझे लगा सारे शोहर होते ही इस काम के लिए कि हमारा बोझ उठा सके, लेकिन जब अभी आप देख सकते हैं उन्होंने काफ़ी बड़ा पम्पकिन ले लिया है। सो मैं अपना पम्पकिन जो है अपने साथ ही ले जाऊंगी। मेरे लिए ये पम्पकिन भी बहुत हैवी है, तो आप मुझे कमेंट में बताएं आप सबको क्या लगता है ये कितना, इसका वेट क्या होगा, और जो मेरे हस्बैंड के हाथ में है उस पम्पकिन का जो है वेट क्या होगा। एज यू गैस कैन सी, ये मेरा है और ये साथ में मेरे हस्बैंड का इतना बड़ा जो है पम्पकिन उन्होंने जो अपने लिए पिक किया है वो है। यहाँ पे सभी लोगों ने जो है, अभी आप देख सकते हैं कि पम्पकिन लिया हुआ है। वी आर यूजिंग द सेम राइड, अभी हम जाएंगे वापस उसी जगह पे जहाँ से हमने इन्होंने पिक किया था, क्योंकि ऑब्वियसली पम्पकिन के साथ इतनी सारी इतना सारा वॉक कोई भी नहीं कर सकता, और बच्चे भी है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली सब थक जाते हैं। सो हमने डिसाइड किया कि सेम राइड ही लेंगे। सो मज़ा बहुत आ रहा है। यहाँ पे राइड ख़त्म होने के बाद हमें यहाँ से एप्पल भी पिक करने थे। सो हमने अपने लिए दो एप्पल ही ले लिए थे, आई थिंक आप जितने चाहे ले सकते हो, लेकिन फिर भी हमने दो ही ले लिए थे। ये कह भी रहे थे कि हर बंदा जो है एक एक एप्पल ले सकता है, लेकिन ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, सब अपनी मर्ज़ी की सही ले रहे थे क्योंकि एप्पल बहुत ज़्यादा थे। वहाँ से आते ही आप देख सकते हैं हमने फिर से ये लाइव म्यूज़िक ज्वाइन किया, बच्चे काफ़ी खुश है यहाँ पे। हम भी यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे एंड उसके बाद जो है हम डिसाइड करेंगे कि हमने खाना खाने जो है डिनर कहाँ पे करना है। तो थक भी चुके हैं हम, तो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट भी ले लेंगे एंड उसके बाद जो है हम डिसाइड करेंगे कि हमने कहाँ जाना है। सारे छोटे बच्चों को देखकर मुझे आयरा की बहुत याद आ रही है एंड मेरा दिल भी यही बात आ रही है कि मैं आयरा को क्यों नहीं लेकर आई, लेकिन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम उसको लेकर आ जाऊँगी। तो हमने डिसाइड कर लिया है वहाँ से निकलने के बाद, अभी भी थोड़ा टाइम है हमारे पास, मेरे हस्बैंड को कुछ लेना था तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ चले जाते हैं एंड विल सी व्हाट ही लाइक्स देयर। माशाल्लाह वेदर आप देख सकते हैं, एक बिल्कुल हल्की सी धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, सर्दी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, इट्स परफेक्ट वेदर। सो यहाँ पर हम आ चुके हैं स्टोर पर एंड हमने सोचा कि यहाँ पर थोड़ी गेम खेल ले। मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ एंड आई नो, पाकिस्तान में जब हम वर्क करते थे
प्रॉपर लाइनअप होती थी इस तरह की गेम्स के लिए. बच्चे जो थे बहुत शौक से ये गेम खेलते थे. तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों ने कभी ये गेम खेला है, क्योंकि मुझे याद पड़ता है वहाँ पे जब भी हम पाकिस्तान में हुआ करते थे, बाहर जाते थे, इस तरह की गेम्स के लिए लाइनअप हुआ करता था. बच्चे बहुत शौक से खेलते थे इसको. सो एज़ यू गाइस कैन सी, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ इस गेम में, बट और मेरे हस्बैंड साथ में चाहते हैं. ही वॉज डूइंग ए शूटिंग गेम जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं अपना जो है अपने गेम पे मेरा फोकस था. सो उसके बाद जो है हम यहाँ पे आ गए हैं खाना खाने. इट्स वन ऑफ माय फेवरेट तंदूरी फ्लेम. आज सैटरडे है तो हमें लग रहा था कि बिज़ी होगा. यूजुअली सैटरडे के दिन प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा होती है, तो हमें लगा कि आज इतना बिज़ी नहीं होगा. लेकिन अंदर जाते ही हमने देखा कि हमारे सोच के बिल्कुल ऑपोजिट हुआ था. लाइनअप बाहर तक था, और एज यू गाइस कैन सी इन द क्लिप एज वेल, काफ़ी बड़ी लाइनअप है. मैं कम्प्लीटली भूल चुकी थी कि दिवाली है मंडे को, और इस वजह से बिज़ी था, बहुत ज़्यादा बिज़ी है. अभी हम अंदर आ चुके हैं, सो बाहर अभी भी बहुत बिज़ी है. सो हमने अपने लिए जल्दी से खाना निकाल लिया था, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, मुझे बहुत भूख लग रही थी. खाना हमने जल्दी से खा लिया है. अभी आप देख सकते हैं रश थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन जैसे हम अंदर आए थे उस वक्त बहुत कच्ची जगह भरी हुई थी. खाना हमने खा लिया है. दिस इज़ माय डिज़र्ट. मेरे हस्बैंड का भी डिज़र्ट आ चुका है. वो गए थे वॉशरूम ताकि हाथ धो ले अपना, क्योंकि ऑब्वियसली हम हाथ से खाना खाते हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने लिए गर्म पानी ले लिया था, क्योंकि मैं मीठा जो है उसके साथ नहीं खा सकती, लाइक ठंडे पानी के साथ. और कभी कभी मैं ग्रीन टी ले लेती हूँ, लेकिन इस मरतबा मेरा दिल नहीं कर रहा है कि मैं ग्रीन टी लूँ. सो मैंने लाइट ही सब कुछ लिया. मीठा में मुझे पसंद है मीठा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं. सो डिज़र्ट लेने के बाद बारी आ गई थी ऑब्वियसली आइसक्रीम की. हमने आइसक्रीम भी इंजॉय किया. सो आइसक्रीम खाने के बाद हमने सोचा कि हम घर की तरफ जाएंगे. तो इसी के साथ मैं भी आप सबसे इजाज़त चाहूँगी दोस्तों. उम्मीद है आप सबको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ. मुझे कमेंट्स में बताएं आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके. एंड इट्स माई प्रॉमिस टू यू गाइस कि मैं अपने बैंफ / कैलगरी का ट्रिप के सारे ब्लॉग्स एक एक करके आप सबके साथ ज़रूर शेयर करती जाऊँगी. I got so busy with my two jobs and school, time ही नहीं मिल पा रहा था मुझे, लेकिन अब मैं एक एक करके आप सबके साथ vlog जरूर शेयर करती जाऊंगी. So I'll see you guys in my next vlog. Till then, take care, stay safe, and Allah Hafiz.